श्री जी गुरु जी को अलग आदेश माँ भगवती को अलख आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश आज मैं आपको एक गुरु की एक अघोर गुरु की कहानी सुनाने वाला हूं जो नाथ संप्रदाय से नहीं आते थे लेकिन शक्ति के उपासक थे और ये कैसे अघोर गुरु थे जो अपने शिष्यों को समझाते भी थे प्रत्यक्षीकरण भी देते थे और चमत्कार भी दिखाते थे चमत्कार ऐसे ऐसे कि जैसे आज के दिन में लोग मांगते हैं कि सबूत दीजिए कि आप अघोरी हैं और हम चुपचाप बैठे रहते हैं क्योंकि हमें पता है कि और छोर क्या हो सकता है चमत्कार का जब भी आप नेचर से खेलते हैं क्योंकि हम उस तरह के उतने बड़े साधक नहीं है लेकिन ये एक ऐसे साधक थे जिनके पास शक्तियां परम्पार थी आद्या के पुजारी थे आद्या के ऊपर क्या है ये जब पहली बार किसी को मिले थे ये हमारे गुरु परिवारों में से ही एक की कहानी है तो जिनसे ये मिले वो अपने समय के बहुत रंगदार किस्म के इंसान थे बाजार में दबदबा था तो बाजार में ने आकर के उनको बताया कि पता है एक विक्षिप्त इंसान घूम रहा है औघड़ के वेश में और एक मरा हुआ कुत्ता जो पुलिया पे पड़ा हुआ था वो उसको ही खा रहा है तो ये बोले अच्छा ये तो इंटरटेनमेंट का अच्छा साधन है ये दौड़े उनको देखने के लिए तो वो व्यक्ति कोने में सड़ा हुआ जो कुत्ते का लाश था उसको भक्षण कर रहा था ये गए उनके पास थोड़ा मजाक लेने के मन से कि ये क्यों खा रहे हो कुछ और खाओगे क्या उन्होंने तो बोला खिलाओगे क्या तो उन्होंने बोला बिल्कुल खिलाऊंगा ये तो सारे जो लखेड़े थे बाजार के सबको खिलाते थे और यहाँ तो बात मनोरंजन की थी इन्हें पता थोड़ी था कि कौन है तो इन्होंने उनको बैठाया बोला क्या खाओगे तो बोला मछली खाएंगे मछली खिलाया उनको बोला माँ का दूध पीऊंगा तो दूध मंगाएगा गर्म करके उनके लिए साधु संत के भेष में थे तो जो मांग रहे थे और अवघड़ के प्रति तो ऐसे भी बहुत डर है लोगों के मन में नॉर्थ ईस्ट में तो अवघड़ के वेश में थे इस तरह की क्रियाएं कर रहे थे तो डर तो पक्का था फिर वो गुस्सा गए उन्होंने बोला कि माँ का दूध का मतलब नहीं जानते माँ का दूध का मतलब होता शराब पिलाओ तो ये औघड़ों की भाषा है तारापीठ और कामाख्या क्षेत्र में वो ऐसे ही बोलते हैं माँ का दूध मतलब शराब पियेंगे तो फिर उनको शराब ला दिया गया शराब पिया उन्होंने और यहाँ से इस व्यक्ति की जुड़ाव की कहानी शुरू हुई और एक आम व्यक्ति अघड़ पंथ में आ गया ये तो मजाक में घुसा था हालांकि इसको शुरू से शौक था कि ये हम कभी ना कभी अवघड़ बने एक बार इसने क्या किया था बचपन में इन्होंने किसी किताब में स्कूल से आते वक्त खरीद लिया था और उसमें चंद्र ग्रहण के दिन बकरी के पेशाब को एक जड़ में मिला करके मंत्र पढ़ने से वशीकरण होता है ये पढ़ा था तो बड़ा इंतजार करके इन्होंने चंद्र ग्रहण में और बकरी का पेशाब ला करके मिश्रित करके जाप किया और था कि ये जो सामग्री है ये किसी के सर पे डाल देनी है ठीक है तो जिसके सर पे डालोगे वो आपके लिए वशीभूत हो जाएगा तो बेचारे ने रात भर उस साधना को किया एक छोटा स्कूल जाने वाला बालक और उसके बाद दूसरे दिन पूरा दिन इंतज़ार किया जिस लड़की के लिए उन्होंने बनाया था वो आई ही नहीं तो अंत में अब शाम में उसका करे क्या तो उन्होंने जाके शिवलिंग को पे उसको चढ़ा दिया तो बाद में वो ये कथा बना बताते हैं कि उन्होंने क्योंकि अवघड़ को ही आ, के ऊपर ही मोहिनी चला दिया था इसीलिए वो बाद में अवघड़ बने और इन गुरु से उनका मुलाकात हुआ तो जो दोनों चेलों की कहानी है उसमें बहुत सारी बात ये ये जो साधक हैं ये हमारे डॉक्यूमेंट्री अघोरा में भी हैं तो बहुत तरह की चीजें इनको इन्होंने सिखाई जैसे अघोर मार्ग में प्रत्यक्षीकरण सबसे पहले किसका होता है जो साधक है वो जानते हैं कि सर्प प्रत्यक्षीकरण ही पहला प्रत्यक्षीकरण माना जाता है तो ऐसे स्थान पर निर्जन स्थान पर जहाँ पे सर्प ना आ सके वहाँ पे साधना करवाई जाती है और जो सर्प आते हैं वो भी ऐसे हैरत होते हैं कि आपने उसको ना कभी देखा हो ना पढ़ा हो तो इनको भी वैसी साधना से शुरुआत कराया था इनको निर्वस्त करवा के नदी के एक छोर पे बैठा दिया एक मंत्र लेकर के खुद दूसरे छोर पे चले गए गांजा पी रहे थे और ये जो साधना कर रहे थे इनके शरीर पर सांप आकर लिपट गया ठीक है ये चिल्ला रहे गुरुदेव 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 अपना गांजा पी के मस्त है हाँ हाँ करो ठीक कर रहे हो साधना और ऐसी छोटी मोटी गुरु गुरुचिलो की बड़ी कहानियां हैं लेकिन एक कहानी बहुत बहुत मस्त है जब ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से ये परेशान हो गए तो उन्होंने बोला कि कुछ अच्छा सिखाओ कुछ बड़ा सिखाओ औगढ़ों की तरह कुछ सिखाओ मंत्र जाप करवा रहे हो भूत प्रेत से छुआ रहे हो ये कौन सा अवगढ़ होता है तो गुरु ने ले लिया रेंज उन्होंने बोला अच्छा ऐसी बात है तो इनको ले करके वो चले गए एक स्मशान में मसान में स्मशान में नहीं मसान में और ये दूसरे धर्म का स्मशान था तो जब वहाँ पर गए तो पूरा सुनसान था अब के अब की तरह तो हाईटेक उस समय होता नहीं था ये 1980 की कहानी है तो अभी जैसा हाईटेक सब होता नहीं था स्मशान मशान इन सब जगहों पे कब्रिस्तान में कोई नहीं जाता था तो ये वहाँ पर गए और इनको बोला एक काम करो एक लाश आज दफन हुई है उसका टांग को काट के निकालो अब इनकी लग गई कि ये लगता है इस बार गुरुदेव को गलत हमने चैलेंज कर दिया तो गुरुदेव को बोला गुरुदेव ऐसा कैसे होगा ना कुल्हाड़ी है ना कुछ है तो बोला नहीं नहीं वो सब नहीं तुम तो आज चाहे तो तुम खोद के निकालो या तुम आज गड्ढे में जाओगे अब ये बेचारे लगे हाथ से खोदने गुरु पूरा मजा ले रहे हाँ ठीक है बढ़िया है करो करो जब एक दो घंटा हो गया निष्कर्ष कुछ नहीं निकला एक एक हाथ भर गड्ढा इन्होंने ये जा के पैर पे गिर गया कि अब उनसे नहीं होगा जो करना है आप करो तो इनके गुरु उठे गए और अपने बाएं पैर को बहुत जोर से जमीन पर पटका उनके पैर पटकते ही लाश बाहर आ गई अब बहुत लोगों को लगेगा कि ये नहीं हो सकता है तो मैं आपको बता देता हूँ तंत्र में बहुत चीज़ें हैं जिसको मैं बोलता हूँ नहीं हो सकता और बहुत चीज़ ऐसी होती हैं जो हो सकती हैं बात यह है कि आपने मैंने अगर प्रत्यक्षीकरण नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसी शक्तियाँ नहीं होती हैं ऐसे सिद्ध पुरुष होते हैं ये बहुत छोटी चीज़ है सिद्ध पुरुषों के लिए तो वो निकल गया बाहर उसके दिन को बोला कि अब इसका बाया पैर काट लो तो ये बड़े डरे से हमें हुए रात का अंधेरा दो लोग बोल करके फिर गुरु विलुप्त कहीं झाड़ी वाड़ी में जा बैठ गया अपना गांजा पी रहे हैं अब ये डर से कैसे कैसे करके किसी तरीके से आरी दिया इनको इन्होंने टांग काट लिया उसके बाद अपना झोला बढ़ाया गुरु ने बोला कि अब इसमें डालो अब चलो अब इस पर हम लोग साधना करेंगे आज तुमको बताता हूँ साधना होती कैसे तो झोला गुरु ने अपने कंधे पे डाला और ये लोग निकल गए उस कब्रिस्तान से बाहर थोड़ी दूर गए तब तक गांव वालों को किसी ने बता दिया कि किसी ने कब्र को खोदा है और पूरी एक भीड़ सैकड़ों लोगों की वहाँ पहुँच गई कि ये गैर धर्म के लोग ये हमारे जो धर्म का लाश है उसको उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं और इनको मारने के लिए सब तैयार हो गए। चेले ने सोचा आज गुरु ने सिखाने के बदले आज मरवा ही दिया लेकिन गुरु गुरु बड़े शांत थे उस समय चेले के हाथ में झोला था गुरु ने झोले को ले लिया और जब उनसे पूछा गया कि तुम लोग क्या कर रहे थे मसान के पास कब्रिस्तान के पास तो इन्होंने बोला हम कुछ नहीं कर रहे थे कब्रिस्तान के बगल में जो नदी है वहाँ हम मछली पकड़ने गए थे तो इस पर लोग और गुस्सा गए उसमें किसी ने आते जाते इन लोगों को देख लिया था उसने बोला कि मैंने देखा है ये जो छोटा सा आदमी है ये बैठ के एक लाश का टांग काट रहा था तो ग्रुप बड़ा गुस्सा है बोले कि ऐसा थोड़ी है मेरा चेला टांग काटेगा का। हमें खाने की कोई कमी है क्या मैं बोल रहा हूँ मछली पकड़ने गए थे तो जो जत्था था उसमें से जो नेता था उसने बोला तुम अभी मुझे झोला दिखाओ अब चेला समझ गया कि आज मॉब लिंचिंग पक्का है आज तो यहीं पे कटेंगे हम और गुरु ने बोला ठीक है दे दे इसको झोला दे दे चेले ने बोला नहीं नहीं मैं झोला नहीं दूंगा मैं क्यों दिखाऊँ वो अपने बचने की कोशिश कर रहा है गुरु के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है चेले को लगा कि गुरु ने आज पूरा फंसाया अब ये झोला भी देने बोल रहे हैं अगर झोला दे दिया झोला खोला तो उसमें तो टांग है वो भी सड़ी हुई लेकिन गुरु बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गए बोला तुम झोला दे दो तो गुरु ने हाथ बढ़ाया कि वो झोला लेकर के अगले को दो अब चेला समझ गया कि अब तो फंसने का पूरा से उसने क्या किया कि वो झोले को एक तरफ झाड़ी में फेंक दिया अब लोग पूरा आक्रोशित हो गया कि पक्का इसका मतलब जो बताया गया है कि उस झोले में टांगे वही बात है इसीलिए ये बंदा जो है झाड़ी में फेंक रहा है उस झोले को लोग गए दौड़ करके और उस झोले को उठाया झोले को जब उठाया तो उसमें से एक बड़ा दो किलो का मछली निकला टांग गायब तो गुरु ने बोला मैंने बोला था मछली पकड़ने गए थे जबरदस्ती तुम लोग हमारे पीछे हो तो उन्होंने पूछा कि तो फिर फेंका क्यों था तो बोला क्योंकि कि तुम्हारा छुआ हम नहीं खाते हैं लेकिन अब दो हमें भूख लगा है और वो झोला लेकर के आ गए फिर चेले ने पूछा ऐसा कैसे हुआ तो गुरु ने बोला जब मैंने तुम्हें समझाया था कि झोला दे देना है तो तुमने दिया क्यों नहीं मान लो कि उस समय वो झोले के पीछे ना दौड़ के तुम्हारे पीछे दौड़ते कि इसमें टांग है और इसको मारो अब बिना देखे फिर क्या होता फिर तो चेले ने अपना क्षमा याचना किया और गुरु ने बोला अब तो जो होना था हो ही गया जाओ स्नान करके आओ और वो जो मछली मिली है उसको बना के खाते हैं <laughs> तो उसके बाद उन लोगों ने वो जो टांग से बनी मछली थी उसको बना के खाया भी जो चेला था उसके लिए तो खैर ये मतलब जीवन का आखिरी अनुभव था कि ऐसा ऐसा भी करना पड़ेगा कभी जीवन में ये कहानी जो है ना ये दो चीज़ें बताती है एक तो गुरु जब आपको कुछ बोलता है तो वो बहुत सोच के बोलता है उस पर अनंत विश्वास करना चाहिए दूसरा जो अपभ्रंश है जो भ्रांतियाँ हैं कि अघोर कुछ भी खा लेते हैं देखो एक कहानी मैंने बताई थी आप लोगों को जिसमें कानिफ नाथ जी के गुरु जी ने उनको बोला था कि तुम लाश खाओ उस पर कानिफ नाथ जी ने मना कर दिया था कि मैं लाश नहीं खाऊंगा तो फिर उन्होंने बोला कि तुम्हें मना नहीं करना था तुम्हें पूछना था कैसे और उसके बाद जो गुरु थे कांफनाथ जी के वो अपना उन्होंने स्वरूप बदल लिया और वो भेड़िया बन गया और फिर उन्होंने जो इंसान का लाश था उसको खाया था उसी तरीके से ये दूसरी कथा है जहाँ पे अवघड़ बनने के लिए जो बोलते हैं कि जो प्राप्त हो वही खा लीजिए तो ये ऐसे सिद्धों के लिए है जो किसी भी भोजन को किसी भी वस्तु को किसी भी रूप में बदल करके उसका भक्षण कर सकते हैं जो चीज़ आपको एक सड़क गला सामान दिखेगा वो इन सिद्धों को दो मिनट में मिठाई बन के परोस देगी ये प्रकृति ये होती है सिद्धि ये होते हैं सिद्धात्मा ये होते हैं अघोरी आज के लिए इतना ही जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे नंबर से जुड़ सकते हैं इसमें जो साधना का शुरुआती विधान है वो मैं आपको सिखाता डायरेक्ट बात करने के लिए कॉलमी फॉर एप्स को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं उसमें रुद्रनाथ एट सी सर्च करिएगा तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा मेरे द्वारा लिखित लेख और अन्य साधकों द्वारा लिखित लेख इसको पढ़ने के लिए और ज्ञान बढ़ाने के लिए मेरा एक वेबसाइट है डब्ल्यू डॉट तंत्र से डॉट कॉम इस पर आप जा सकते हैं आज के लिए इतना ही महादेव व महाकाल आप लोगों को ज्ञान दे और सुरक्षित रखे ऐसे मेरी प्रार्थना आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश